हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मैं फिर आज प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट फोर लेकर आया हूँ। दोस्तों, अगर पार्ट वन से लेकर पार्ट फोर तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहाँ से सारे वीडियोज़ को देख लें। चलिए दोस्तों, आज मैं फिर दूसरा टॉपिक लेकर आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस में। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है कि जब एक ही वस्तु कई बार खरीदी बेची जाए। इस पे जो जिस पे आधारित जितने सवाल रहेंगे उसके माध्यम से हम इसको समझेंगे, इस टॉपिक को। चलिए दोस्तों, तो सवाल के माध्यम से इसको समझते हैं। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के माध्यम से समझते हैं इस टॉपिक को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदी और 20% लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। श्याम 10% घटा सह कर उसे मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी थी। देखिए इस टॉपिक में क्या है कि जब एक ही वस्तु कई बार खरीदी बेची गई। एक वस्तु को राम ने खरीदा, फिर राम ने आपको 20% लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने किया 10% घटा सह कर उसको मोहन को बेच दिया। तो वही पूछा है लास्ट में कि मोहन ने साइकिल कितने रुपये में खरीदी, मतलब अंतिम मूल्य उसका पूछा है। और जब भी आपको अंतिम मूल्य पूछे, अंतिम मूल्य तो अंतिम मूल्य बराबर होता है आपका प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य कितने रुपये में खरीदा था, 1000 रुपये में। 1000 रुपया लिख देंगे गुड़े। आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको लिखना है 100 प्लस। अब पहले में कितना प्रतिशत का लाभ हुआ या हानि, तो पहली बार तब वो इतने रुपया में खरीदा तो उसे 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो 20% का लाभ होगा तो इसमें हम 20 जोड़ देंगे, ठीक। बटे में लिखेंगे 100, फिर लिखेंगे गुड़े, फिर एक बार बेचा है। अब क्या किया कि श्याम को बेच दिया, और श्याम क्या किया कि 10% घाटा सहकर। तो यहाँ फिर हम क्या लिखेंगे, 100 माइनस घाटा सा है तो फिर 10 इसमें से घटा देंगे, फिर बटम लिखेंगे 100। फिर अब इसके बाद तो कुछ है नहीं। अब पूछा है कि मोहन को बेच दिया, फिर कह रहा है कि मोहन ने साइकिल कितने रुपये में खरीदी, तो वही अंतिम मूल्य यहाँ पर निकाला जा रहा है। जितना बार वो प्रक्रिया दोहराएगा उसी तरह हम उसको बढ़ाते जाएंगे गुड़ा गुड़ा में। 1000 है तो हम 1000 उतार देंगे, 100 में तब 20 जोड़ेंगे तो 120 बटे 100 गुड़े। 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 बटे 100, तो 2 2 4 2 4 0 से आप 3 0 ये कट गया और 1 0 ये कट गया। बचा आपका यहाँ 12 और यहाँ बचा 90, तो 12 9 108 और 1 0, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1080। मतलब मोहन ने उस साइकिल को कितने रुपये में खरीदा था, 1080 रुपये में खरीदा था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, एक आध क्वेश्चन और लेके इसको समझते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरे से और बढ़िया समझते हैं इसको। अंतिमा अपना मकान 4 लाख रुपये में खरीदी, उसने 25% लाभ पर मकान को आकाश को बेच दिया। आकाश ने 10% लाभ पर मकान को रोहित को बेच दिया। यदि रोहित 5% लाभ लेकर काजल को मकान बेचा तो काजल को कितने रुपये देने पड़ेंगे। चलिए दोस्तों, इसको देखते हैं। पूछा है अंतिम मूल्य इसका, लिखेंगे अंतिम मूल्य बराबर। प्रारंभिक मूल्य कितना है, 4 लाख रुपये, 4 लाख लिखते हैं। 1 0 4 लाख हो गए गुड़े। 100 पहला प्रतिशत जोड़ना है, चाहे लाभ हो चाहे हानि। तो पहला क्या है, 25% लाभ। तो लाभ का मतलब इसमें हम 25 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे बटे में 100, फिर गुड़े, फिर यहाँ पे 100 लिखना है। फिर दूसरा प्रतिशत देखना है, दूसरा प्रतिशत क्या है, 10% लाभ लेकर आकाश ने, तो इसमें 10% जोड़ना है, फिर नीचे 100 लिखना है, फिर गुड़े 100। 5% लाभ लेकर किसको बेच दिया, काजल को। तो 5% लाभ का मतलब इसमें 5 हमको ऐड करना है बटे में 100। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 4 लाख को 4 लाख लिखेंगे, 4 लाख, 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 बटे 100 गुड़े, वहाँ से 110 बटे 100 और यहाँ से 105 बटे 100। 5 0 यहाँ है तो 5 0 से 2 2 4 1 5 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से यह कैंसिल हो गया। अब क्या करना बचे का, यहाँ पे 125 गुड़े 11 गुड़े 105। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग गुड़ा कर लीजिए, जो इसका सही आंसर होगा होगा 57,700 होगा, सॉरी 57,7500 गुड़ा करेंगे तो इतना ही आएगा आंसर। मतलब ये हुआ कि काजल को देने पड़ेंगे कितने रुपए हैं, 57,07,500 रुपये देने पड़ेंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका है, ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को बेचा, बी ने 10% हानि पर सी को तथा सी ने 20% लाभ पर डी को बेचा। यदि डी सामान को 8,000 रुपये में खरीदा हो तो बताइए ए उसे कितने रुपये में खरीदा था। दोस्तों अब तक जो मैं सवाल दो सवाल बताया हूँ आप लोगों को उसमें अंतिम मूल्य पूछता था कि मतलब डी कितने रुपये में खरीदा होगा, लेकिन यहाँ पे पूछा है डी को बता दिया, अब ए पूछा है मतलब प्रारंभिक मूल्य पूछ दिया इसका। तो प्रारंभिक मूल्य पूछा है इसका तो अंतिम मूल्य बराबर क्या होता है, तो अंतिम मूल्य कितना दे दिया 8,000 रुपया, तो हम यहाँ लिखेंगे 8,000 रुपया बराबर प्रारंभिक मूल्य होता था यहाँ पे, तो प्रारंभिक मूल्य को मान लेंगे यक्स गुड़े 100। पहला मूल्य कितना, पहला मूल्य क्या हुआ है, पहली बार उसे 10% का लाभ हुआ था, इसमें 10% जोड़ देंगे बटे में 100 गुड़े। दूसरी बार क्या हुआ, इसे 10% की हानि हुई है तो इसलिए हम 100 में से 10 को घटा देंगे बटे में 100 गुड़े। तीसरी बार उसे क्या हुआ है, सी ने 20% लाभ पर, तो 20% लाभ का मतलब 100 में हमें 20 जोड़ना है बटे में 100। अब तो कुछ है नहीं, इतना चाहिए, अभी से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर होगा आपका 8,000 बराबर यक्स गुड़े 110 बटे कितना हो जाएगा 100 गुड़े, यहाँ से आपका 90/100 और यहाँ से 120/100। तो दोस्तों यहाँ पे हमें प्रारंभिक मूल्य निकालना था यक्स बराबर, तब यक्स का वैल्यू निकालेंगे तो जितने भाग में है तो इधर जाके गुड़ा में हो जाएगा, मतलब हो जाएगा आपका 8,000 गुड़े 100 गुड़े 100 गुड़े 100 बटे में 110 गुड़े 90 गुड़े 120। चलिए दोस्तों इसे देखते हैं, इसे कटाएंगे तो 1 0 2 0 3 0 3 0 से हम इसको कटा देंगे, 4 2 8 और 4 3 12 अब कोई कटेगा नहीं, तो यहाँ बचा 2 × 100 × 100 × 100 बटे में यहाँ पे 11 यहाँ पे 9 और यहाँ पे 3। तो ये हल करेंगे तो 2 2 0 2 0 2 0 मतलब 6 0 6 0 यहाँ पे आ गया, नीचे 11 9 99 × 3 तो 9 3 27 × 7 और 9 3 27 × 29। तो दोस्तों यहाँ से तब हम भाग देंगे तो इसका जो आंसर आएगा 6,734 आएगा, क्योंकि इसका कैलकुलेशन बहुत हाई है, भाग करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा समय नुकसान हो जाएगा, तो आप लोग कर लीजिएगा इसका जो आंसर आएगा 6,734 आएगा, भाग करके देख लीजिएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आएंगे आपको।